अब हुआ क्या, ये जो टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इससे पहले की हिस्ट्री क्या चल रही थी, डी ब्रॉगली आया, उसने आइंस्टाइन की इक्वेशन को देखा कि जैसे लाइट में सिमिट्री है ऐसी इलेक्ट्रॉन मूविंग में भी सिमिट्री है। उसका ये मानना था, उसने अपनी जस्टिफिकेशन कुछ पॉइंट्स लिख के बताई और हमने वो देखी, और गलत नहीं लग रहा, बात तो ठीक कर रहा है, पर उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था जिसमें उसने एक इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, जो हमने इसमें डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकाली इलेक्ट्रॉन के पिछले टॉपिक में, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तो निकाल दी उसने ये मानते हुए कि ये पार्टिकल नेचर है, ये सारी थ्योरी जो बनाई उसने, इसमें वेव का तो कोई कॉन्सेप्ट यूज किया ही नहीं, कहाँ किया कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या वेव की इक्वेशन यूज ही नहीं हुई, ये पूरी की पूरी थ्योरी क्या मानते हुए चल रही है कि इलेक्ट्रॉन की क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर है। तो उसने कहा कि ऐसा सिमिट्री से लगता है कि इसकी वेव नेचर भी होगी, पर उसने ये चीज प्रूव नहीं की थी। तो प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था डेविसन और जर्मर। तो इन्होंने डी ब्रॉगली के रिजल्ट को पढ़ा, इन्होंने ये पूरी सिमिट्री पढ़ी और इन्होंने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि मूविंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्ट लाइक वेव। पार्टिकल तो पहले ही थे, पार्टिकल को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, पार्टिकल तो डी ब्रॉगली बता ही चुका क्या वेवलेंथ है। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया, उनका वेवलेंथ निकाला दो बार, एक बार ये मानते हुए कि मूविंग पार्टिकल वेव नेचर है तो वेव की वेवलेंथ निकाल ली, और एक बार ये मानते हुए कि मूविंग जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पार्टिकल नेचर है तो लैम्डा निकाला। दोनों तरफ से लैम्डा एग्जैक्टली क्या आ गया, सेम। इसका मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर पॉसिबल है। तो ये आता कैसे है क्वेश्चन, देखो या तो पेपर में सीधा आ जाए, इंपॉर्टेंट है, सीधा आ जाएगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूफ करो, बात खत्म। पर ज्यादातर ये ऐसे आता है कि आप एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन को एक्सप्लेन करो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सप्लेन करे। अब देखो कोई अगर ना पढ़ के जाए या ये रिलेट ना कर पाए, उसको पता ही नहीं, वो डेविसन जर्मर याद तो कर गया, उसको ये नहीं पता था कि इसका आंसर भी यही था, क्योंकि डेविसन जर्मर ने क्या किया, डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे अंडरलाइन कर लो, ये वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है यहां तक, तो वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करता है, राइट। जब ये पेपर में आएगा तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि करता क्या है, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना है। डायग्राम में ना इसको चाहे क्रॉस कर दो, नहीं बनाएंगे, इसकी जगह इसको टिक कर लो, ये बनाएंगे, ये ऊपर ये डायग्राम बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम ये बनाएंगे, इसको टिक कर लो, उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन गन लिंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन की गन ली ताकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये जनरेट कर सके, इलेक्ट्रॉन की गन ली। अगर पीछे से आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। तो पीछे से वो पोटेंशियल बढ़ाते गए, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40, 50, 60 फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सकते थे, उनके हाथ में था। नीचे उन्होंने निकल क्रिस्टल रखा, रिसर्च कर रखी थी निकल क्रिस्टल पे, निकल का क्रिस्टल रखा, इलेक्ट्रॉन की बीम आई, निकल के क्रिस्टल के सरफेस से टकरा के कुछ इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गए, कुछ अंदर पेनिट्रेट करके टकरा के स्कैटर हो गए, और जो बहुत फास्ट मूविंग है वो और अंदर जा गए और फिर टकरा के बाहर आ गए, कुछ ऐसे, ये देखो कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऐसा कुछ हुआ। ये निकल के एटम्स हैं अंदर क्रिस्टल में, तो अगर आप मूविंग इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट करते हो तो वेव आ रही है, ऊपर से निकल गई, कुछ नीचे की लेयर से गई और कुछ और नीचे की लेयर से गई, डिपेंडिंग उसकी कितनी स्पीड है, तो ऐसा कुछ हुआ। तो ये अपरेटस उन्होंने लिया, और ये स्ट्रेट लाइन के साथ ये एंगल थीटा थीटा, और ये स्कैटरिंग एंगल है फाई, और ये एक डिटेक्टर लगा हुआ है जो डिटेक्ट करता है कि जो स्कैटर्ड बीम है, यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन्स गिरे थे तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स वो कैच कर रहा है, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये डिटेक्टर घूम सकता है हर पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी बता रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो कैच कर पा रहा है एक सेकंड में, ठीक हो गया यहाँ तक, ये अपरेटस है। अब इन्होंने क्या किया, ये बोलते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट अलग अलग वोल्टेज पे किया, इलेक्ट्रॉन बीम को भेजा 44 वोल्ट पे, 48 वोल्ट पे, 54 पे, 64 पे, 68 पे, अलग अलग वोल्ट पे एक्सपेरिमेंट किया। डिटेक्टर ने इंटेंसिटी डिटेक्ट की, कितने फोटोन्स इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं निकल क्रिस्टल में से, वो बीम से टकरा के आ रहे हैं। तो ये देखा कि जब 44 वोल्ट है तो इंटेंसिटी इतनी की है, ये पीक देखो, ये पीक इतना क्या है, वोल्टेज बढ़ा के पीक बढ़ जाती है, इंटेंसिटी यानी कि बढ़ जाती है,
और वोल्टेज पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और वोल्टेज बढ़ाने पे 54 वोल्ट पे यानी कि मैक्सिमम होती है, ये जो पीक है वो मैक्सिमम है, मैं बताता हूँ ये पीक क्या है, और वोल्टेज पे थोड़ी कम हो जाती है पीक 68 पे और कम, यानी कि पहले बढ़ती है 54 पे मैक्सिमम, फिर कम हो जाती है। अगर आप इन सबको ज्वाइन करें इकट्ठा, ये ऐसी रखें, ये ऐसी रखें, अगली पीक इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दें, अगली पीक इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर दें, पहले वाली पीक इसके साथ ऐसे ज्वाइन करें, उससे पहले ये देखो, आपको लगता नहीं कि वेव ऑप्टिक्स का कोई फिनोमेना चल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि कहीं ना कहीं कोई कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। वो ठीक है, लाइट में इकट्ठा दिखता है क्योंकि इनसाइड लाइट देख सकते हो, इसमें देख नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, डिटेक्टर के नंबर से बता सकते हो कि कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है और कहीं पर मिनिमम भी होगी, कम भी हो जाती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तो डिटेक्टर स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, तो वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम पता लग रहा है, कहीं ना कहीं वेव ऑप्टिक्स लग रहा है। तो ये देखा गया कि 54 वोल्ट पे ये सबसे मैक्सिमम था, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, और उन्होंने ये एंगल मेजर कर लिया 50 डिग्री फाई, ये वाला एंगल, ये देखो इन्होंने ये जो एंगल मेजर किया, ये वाला फाई मेजर किया 50 डिग्री, यानी कि उन्होंने ग्राफ उठा लिया, ग्राफ तो बहुत सारे बने थे, उन्होंने ग्राफ उठा दिया जिसमें मैक्सिमम पीक है, वो मैक्सिमम पीक सेंट्रल मैक्सिमम है, वैसे बता दूं सेंट्रल पॉइंट है, वो सेंट्रल है या फर्स्ट बोल सकते हो कि सबसे बड़ी पीक है, उसके आसपास ही बाकी पीक्स बनेंगी। तो उन्होंने ये कहा कि जो पीक बनी वो 54 वोल्ट पे बनी, और जब फाई की वैल्यू कितनी थी, 50 डिग्री थी, नोट कर लिया उन्होंने। अब वो क्या करते हैं, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग वी के साथ हमने भेजा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल को टकराती हैं और स्कैटर होती हैं, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ फाई, अलग अलग फाई और वी के साथ मेजर किया, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी, अलग अलग वी के साथ एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। फिर आपने ये पूरी थ्योरी लिख के लिखना है ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में चार ग्राफ ड्रॉ कर देने हैं आपने, सबसे बड़ा पीक आपने 54 पे और फाई इक्वल टू 50 पे ड्रॉ करना है। फिर वो क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या व्हेन एक्सेलरेटेड वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 44 टू आगे 68 वोल्ट, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो पीक जो है वो मैक्सिमम कब आती है, जब 54 वोल्ट है और एंगल कितना है 50 डिग्री, ये डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ, वो आंसर देते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी इसलिए हुई क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि कहीं ना कहीं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे एक्ट कर रही है लाइक अ वेव, और वेव्स कहां से आ रही हैं, स्कैटर्ड फ्रॉम डिफरेंट लेयर ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड एटम ऑफ निकल क्रिस्टल। तो बेसिकली वो कह रही है कि जैसे एक वेव यहां से आई और एक वेव नीचे से आई, जो यहां से चली गई और नीचे से गई ऊपर जाके कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करती हैं, क्योंकि इसका पाथ इससे ज्यादा होगा, तो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कॉन्सेप्ट लगता है, हम कर नहीं रहे वो बात अलग है, हमने बहुत वाइड डीएससी कर लिया, तो ये ब्रैक साइंटिस्ट ने बताया था कि इंटरफेरेंस कैसी होती है, हम नहीं कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमें पता है कि मैक्सिमम जो पीक है कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम पे फाई कितने है 50, और इसके अंदर थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180, तो यहाँ से 2 थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 से हमने क्या निकाल लिया, थीटा, तो फाई 50 डिग्री पे थीटा कितना आया 65, यानी कि 54 वोल्ट पे फाई कितना था 50 पे थीटा कितने है 65, ये उस पीक वैल्यू की डिस्कशन हो रही है। तो इसके अंदर जो निकल का क्रिस्टल है उसमें जो स्पेसिंग होती है डी, निकल के क्रिस्टल एटम्स के बीच में डी की वैल्यू होती है 0.914 एंगस्ट्रॉम, ये नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमम का फॉर्मूला लग रहा है 54 वोल्ट पे, और फॉर्मूला है 2d sin थीटा इज 1 लैम्डा। तो यहां से डी स्पेसिंग का पता था, थीटा हमने निकाल लिया 65, तो यहां से आपके पास लैम्डा आ गया, तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट वेव ऑप्टिक्स का ही लगाया, पर हमने ब्रैग्स लॉ याद कर लिया, हमने कंडीशन याद कर ली, हमें नहीं पता कंडीशन कैसे आई क्योंकि हम काफी वेव ऑप्टिक्स कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो लैम्डा आ गया, ये पूरा लैम्डा वेव ऑप्टिक्स मानते हुए किया गया। अब वो कहते हैं कि काम करते हैं, डी ब्रॉगली का रिजल्ट लेके आओ। डी ब्रॉगली का रिजल्ट तो ये मान के किया गया था कि पार्टिकल नेचर है, वी 54 वोल्ट पुट किया एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ऊपर लैम्डा 54 वोल्ट पे चल रहा है, आंसर एग्जैक्टली फिर से क्या आया, सेम। तो ये प्रूफ हो गया कि चाहे आप पार्टिकल नेचर लो चाहे वेव नेचर लो, इसकी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की भी क्या नेचर है, ड्यूअल नेचर है। तो लाइट की भी ड्यूअल नेचर है, मूविंग इलेक्ट्रॉन की भी ड्यूअल नेचर है, राइट?